हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं और आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं ये जो इलेक्ट्रिकल बॉटल है। मोस्टली ये आपने जो है ना हैक्स वीडियोस में देखी होगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर ग्राइंडर है और ये जूस बनाने के लिए। तो हमने भी ये वीडियो देखी और हमने भी सोचा कि भाई क्यों ना हम अपने जिम के लिए जो है यही मंगाएं और ये इसका जो है एक अच्छा सा रिव्यू भी बनाया। जैसा आप देख सकते हैं फ़ोटो में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक छोटा सा कटर लगा हुआ है और ये चार्जिंग केबल भी इसके साथ है। तो ये हमने दराज से ऑर्डर की थी, तो आप देखेंगे कि अंदर से ये बॉक्स हमारे पास रिसीव हो गया। आप देखते हैं कि इसके अंदर से किस तरह से निकलता है प्रोडक्ट। तो इसका जो है यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो भी लगाई हुई है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, देखते हैं कि चलेगी या हमें ऐसे ही बॉक्स खोलना पड़ेगा। ओके, ये चल गई है वीडियो। तो अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो तो ये देखें जी, इसमें आप ऐसे इजीली जूस बना के ये पी सकते हैं। सो अपन ने ये वीडियो देखी तो अपन का बड़ा शौक आया कि भाई हम भी ये फ़ौरन मंगवा लेते हैं और इस पे जो है अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि अंदर से क्या रिज़ल्ट निकलता है। और जो लोग भी ये मंगवाना चाहते हैं उससे पहले मेरी वीडियो देख लें ताकि उनके लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो को अधूरा ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स को काटेंगे। तो यहाँ पे हम ये इस बॉक्स को खोलेंगे और देखते हैं कि अंदर से जो बॉटल निकलेगी उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ठीक है, हमारा कैमरा भी थोड़ा हिल गया था क्योंकि हम ज़रा जज्बाती हो गए। खोलते हैं। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे बबल पेपर नज़र आया, इसको निकालते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन हो गया है और ये जो है इसके अंदर है और इसमें दो फोटोज़ हैं। अब देखते हैं अंदर से कौन सा कलर निकलेगा। ओके, तो ये है जी हमारी बॉटल। ठीक है, और ये आपको बॉटल देखने को मिल रही होगी जैसी कि पिक्चर में दिखाई गई थी वैसे ही है। और अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और सबसे पहले जो है, ओ इसमें यहाँ पे ऊपर मुझे जो है एक रबर बैंड भी देखने को मिला है और ये इसका जो है सामने एक फ़िल्टर मुझे नज़र आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो कचरा है वो रह जाता है और इस फिल्टर के थ्रू सिर्फ जूस ऊपर आएगा आई थिंक। ठीक है, और इस बॉटल के अंदर ये मुझे इसका एक जो है गाइडलाइन पेपर भी मिला है और इसमें जो है इसका तरीक़ाकार लिखा गया है। खैर, अपन ये नहीं पढ़ने वाले, अपन जो है डायरेक्ट चेक करेंगे। ओके, इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तो ये जो है एक ब्लेड नज़र आ रहा है और ये जो है इसका बटन लगा हुआ है और यहाँ से ये थोड़ा सा जो है ना रफ़ है। खैर, डबल टैप टू क्लिक स्टार्ट, और ये क्या चीज़ है? ओह, ये चार्जिंग वाला है। ओह, ये चार्जिंग वाला है तो इसकी चार्जिंग केबल भी होनी चाहिए आई थिंक। चार्जिंग केबल कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिल गई है। इस बॉक्स के अंदर ही थी, मुझे नज़र नहीं आई। तो ये जो है छोटी चार्जिंग केबल भी आ गई है और इसको हम रखते हैं फिलहाल और देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम करता है। ओ, जैसा आप देख सकते हैं ब्लेड बड़ी हवा भी दे रहा है, काफ़ी स्पीड से घूम रहा है। और ये हमारी जो है बोतल आ चुकी है और इसमें अब एक जूस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई कैसा बनता है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो यार, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि अब हम इस पर टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि ये जो है बॉटल कैसे कितना जो है ग्राइंड करती है। सबसे पहले इसको मैं वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एप्पल है और ये हमारे पास मिल्क है और अब जो है हम बनाएंगे और देखते हैं कि ये कितना जो है अच्छे से ग्राइंड करेगी इसको। सबसे पहले हम मिल्क यहाँ डाल लेंगे, ठीक हो गया, बॉटल ऑलमोस्ट फुल हो गई है। सो
अब जो है हम इसमें, अरे इसमें तो एप्पल की जगह ही नहीं बची, थोड़ा पीना पड़ेगा। बॉटल का साइज थोड़ा छोटा है। अब इसमें हम एप्पल डाल लेते हैं। ये जी हमने एप्पल डाल दिया, ये तकरीबन फुल हो गई है। ये इसका फिल्टर है। ये जी अब हम बॉटल को कर लेते हैं बंद। नहीं, इसमें जो है थोड़ा शुगर भी डालेंगे। अब शेक बना ही रहे हैं तो शेक मज़े का भी होना चाहिए। तो इसमें जो है हम थोड़ा शुगर डाल देंगे। हमने शुगर डाल दिया। आज हमने आपको साथ की रेसिपी भी सिखा दी है, असल में हमारी अनबॉक्सिंग थी। तो ये जी हमने बॉटल कर दिया बंद। और अब इसका तो, अरे यार ये तो लीक कर रही है यहाँ से, वेरी बैड क्वालिटी। ये देखें जनाब, बॉटल ने लीकेज शुरू कर दी और ये हमारा नुकसान कर रही है। और तो बोतल लीक नहीं कर रही थी, असल में ऐसा है कि यहाँ से जो है ये खुल जाता है और ये साइड से टाइट नहीं था, आपने इसको टाइट कर लेना है। ठीक है, अब इसको करते हैं स्टार्ट। शेक बनना स्टार्ट हो गया। ये भी चार्ज नहीं है, इसे मैंने अच्छे से चार्ज नहीं किया। ओके इसे मैंने अच्छे से चार्ज नहीं किया। लेट्स सी कि अब क्या बीच में है। ऊपर से कैमरा ले आए आप, बीच में दिखाएं। अरे बाबा अभी नहीं हुआ ये ग्रैंड। सो इसे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं इससे कन्वेंस नहीं हुआ, ये बॉटल मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसा देखा था वैसा है नहीं। आप वीडियो स्टॉप स्टॉप। हाँ जी, तो अब हमने बोतल को पूरा चार्ज किया अच्छे से और अब जो है इसको शेक बनाते हैं। उम्मीद है कि अब शेक सही बनेगा। 1 घंटा हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था। ओके, थोड़ा सा और इसे शेक वेल करेंगे। ये तो अड़कता है, ये शायद इसका टाइम इतना होगा। आई डोंट नो, लेट्स सी कि अंदर क्या है। तो हमारे कैमरामैन आपको ऊपर से दिखाएंगे। जो है ये वो जो है असल वाली चीज़ तक बात नहीं जा रही। ये उतना जो है प्योर नहीं बनाता जितना कि एक ओरिजिनल जूसर बनाता है, काफ़ी डिफरेंस है इनमें। हाँ जी, भरपूर कोशिश के बाद भी जो है ये असल ग्राइंडर की तरह नहीं ग्राइंड करता, ये जस्ट शेक वेल कर सकता है और कुछ भी नहीं। बहुत छोटा सा इतना सा ब्लेड है इसके अंदर। अब आज की वीडियो यहीं तक थी। अब वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर, और मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई ये ना ही लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हाँ अगर एज शेक वेल अब बनाना को शायद ये सही शेक कर ले, लेकिन जो है बहुत अच्छा जो है एप्पल वगैरह को इससे एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा हाई चीज़ को ये शेक नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।